सनसेट के पहले हमें खत्म करना है, अब बारी है इसकी। And the sunlight is about to go. उसे गरम करके लाती हूँ और मम्मी की डांट खाती हूँ। ये है मेरे बचपन का हेयर बैंड। मैक की एक पॉलिसी है, 6 कंटेनर्स कैन बी गिवन बैक टू एनी मैक स्टोर एंड यू कैन गेट अ फ्री लिपस्टिक। सारे झारखंड के हमारे सब्सक्राइबर्स को सुसहाय। जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है, कितने लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सेक्शन दिखाती हूँ। Lovelies, welcome to another interesting vlog on my channel and a new day in my life. मेरे organization और tour videos आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज वाला vlog मैं कब से आप लोगों के लिए shoot करना चाहती थी और आप लोग भी कब से request कर रहे हैं, तो आज मैंने ये vlog को और भी ज्यादा interesting twist देने के लिए combine कर दिया है organization and tour. जी हाँ, आज मैं shoot कर रही हूँ अपना मेकअप स्टेशन। तो बेसिकली शूट के साथ साथ यहाँ पर एक्चुअली बहुत मेस क्रिएट हो गया है। मैं सोचती हूँ कि पहले कुछ क्यूट सी न्यू चीजें ऑर्डर कर लूँ, फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँ, या पहले शूट कर लूँ। और ये सारे कैलकुलेशन में ये जो सनलाइट वाला टाइम होता है ना दोपहर का, मैं सोचती हूँ कि ये मेरे लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि सुबह यूजुअली काविश के काम होते हैं, मॉम की भी तबीयत ठीक नहीं है एंड आई एम लेस ऑन स्टाफ, आप लोगों को पता है। ये जो कैलकुलेशन करती रहती हूँ ना मैं कि अब करूंगी, फिर ये 3 घंटे मिलेंगे, उसमें मैं तैयार हूँ, कॉन्टेंट लिखूँ या फिर शूट करूँ, सो सब खिचड़ी पक जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि अब तो मैं कुछ नहीं सोचने वाली हूँ, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने वाली हूँ, जो भी पहना है बस उसी में शूट करना शुरू कर दिया है। मैं इसे वैनिटी टूर वीडियो इसलिए नहीं बुला रही हूँ क्योंकि मेरा जो ब्यूटी सेक्शन है ना वो स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन है। तो यहाँ पर है मेरा मेकअप स्टेशन मेरे पीछे, जो कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज में देखा है। यहाँ पर ऑफकोर्स मैं कपड़े रखती हूँ, यहाँ पर मैं अपने बैग्स रखती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ मैं अपने सन ग्लासेस, तो ये हम बाद में किसी दिन करेंगे। यहाँ पर मेरी एक्सेसरीज ऑर्गेनाइज होती है एंड यहाँ पर मैं रखती हूँ अपने परफ्यूम्स वगैरह, और यहाँ पर होता है मेरा ब्लो ड्रायर, सैनिटरी नैपकिंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसलिए मैं पूरा टूर एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगी बिकॉज दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड फिर मैं वो वीडियो ही नहीं बना पाऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा लेट्स डू इट पार्ट बाय पार्ट। आज मैं शूट कर रही हूँ सिर्फ अपना मेकअप सेक्शन, ऊपर भी ठक ठक वक तक काम वाम चालू है, बट आज मुझे कोई नहीं रोक सकता ये वीडियो शूट करने से। आज का वीडियो डेडिकेटेड है टू द मेसी बिफोर ऑफ माई मेकअप स्टेशन एंड द ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर ऑफ माई मेकअप स्टेशन। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अंजना देवी। हेलो अंजना। तो अंजना हेल्प करने वाली है मुझे इन क्लीनिंग द मेकअप स्टेशन। इस वक्त मेरे मेकअप स्टेशन का कुछ ऐसा हाल है, सुबह ऐसा लगा था यहाँ पर कोई एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत ही जल्दी मैं भागी थी। सो राइट नाउ दिस लुक्स लाइक दैट। आप लोग बोलेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड ही लग रहा है, कुछ चीजें तो मतलब इसकी तो कोई चॉइस ही नहीं है ना, ये तो ऑर्गेनाइज लगना ही है क्योंकि दिस जस्ट फिट्स परफेक्टली लाइक दैट। एंड ये देखो सीक्रेट, दैट इज हाउ इट इज लुकिंग, सुपर डुपर मेसी, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो इसीलिए हम स्टिक करेंगे ओनली टू दिस सेक्शन, वी आर ओनली गोइंग टू क्लीन दिस मेकअप स्टेशन, लेट्स गो। मेरे कुछ डेडिकेटेड ड्रॉर्स हैं, कहीं पर मैंने पोनीटेल्स रखी हैं और कहीं पर मैंने स्क्रंचीज है, टाइज और हेयर क्लिप्स रखे हैं, कहीं पर मेकअप है तो कहीं पर आई शेडोज है, कहीं लिप लाइनर्स हैं, तो वो सब कुछ मैसी हो गया है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ड्रॉर्स डेडिकेटेड उसी चीज को है, एक चीज को एक ड्रॉर डेडिकेटेड है, इसलिए मैसी होता भी है तो वो अपने ही ड्रॉर के अंदर मैसी होता है। तो हम ला चुके हैं 2 डस्टिंग क्लॉथ। तो बेसिकली पहले मैं ये करूंगी कि जो सेक्शन जहां पर बिलोंग करता है उसे उसमें डाल दूंगी, फिर सेक्शन बाय सेक्शन उसे निकाल के एक एक चीज को क्लीन करके ऑर्गेनाइज करके हम रखेंगे। तो जो भी लिपस्टिक्स यहां पड़ी हुई है, आई एम गोना पुट देम ऑल इन दिस लिपस्टिक पाउच। यहां पर पड़ा है मेरा फाउंडेशन, प्राइमर्स, है गालों को डेडिकेटेड सेक्शन, जो भी मैसी चीजें थी पहले उनको अपनी अपनी जगह पर डाल दी। तो पहले ये सब कुछ डाला जाएगा जगह पर, बांस है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मैस क्लीन करते करते और मैसी हो जाए, बिकॉज सनसेट के पहले हमें खत्म करना है। इट्स बेटर लाइट, हमारे तूफान में ला जाएंगे काविश मेरा, तो उसके पहले हमें ये तूफान को समेटना भी है। ये पाउच में मैंने डाल दी हैं वो सारी चीजें जो खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने वाली हैं, तो दैट वे इट इज ऑल सेग्रीगेटेड एंड आई नो व्हाट टू ऑर्डर। ये है मेरा फोन स्टैंड, तो यूजली मैं चार्जर पर लगाकर यहाँ पर फोन स्टैंड पर रखती हूँ, जस्ट इफ आई एम गेटिंग कॉल्स और एनीथिंग व्हाइल आई एम गेटिंग रेडी। और यहाँ
यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है एक वो जो कार में लगाते हैं ना वैसा वाला फोन स्टैंड, ताकि अगर मुझे कभी रील्स शूट करने होते हैं तो मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ, और फिर लाइट्स तो यहाँ पर है ही, एंड वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली हाउएवर आई वांट इट। ऊपर से हमने सारा सेक्शन अभी हटा दिया है, बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ड्रॉर्स से। सो ये सारी चीजें ब्लश ऑन्स, हाइलाइटर्स हैं, कॉन्टूर पैलेट्स हैं, इनको मैं यहाँ पर रख दूंगी। यहाँ पर हम इसे सब क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद हम वापस इसी ड्रॉर में रख देंगे, बिकॉज राइट नाउ इट्स अ टोटल मेस। जस्ट लुक एट दिस। अंजना देवी हमारी मदद कर रही हैं इस काम में। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे मैं क्रिकेट की कमेंट्री दे रही हूँ? शूट भी करना है ना मुझे, फिर आप लोग बोलोगे मैं बहुत बड़ी महारानी बनी हुई हूँ, अंजना सारा काम कर रही है, तुम क्या ऑर्गेनाइज कर रही हो? मैं भी कर रही हूँ। ये है असलियत ब्लश ऑन्स के नीचे, देखो इसे हम पहले क्लीन कर रहे हैं वाइप से, क्योंकि अगर हम कोई भी और चीज यूज करेंगे लाइक ऑल दिस कपड़ा एंड स्टफ सारा कपड़ा में लग जाएगा। और अभी वाइप से ही मैं इनके अंदर भी क्लीन करने वाली हूँ, बिकॉज जैसे यू नो दीज सेक्शंस दैट बिकम डर्टी आई कांट पुट एनीथिंग एल्स। और इसे थोड़ी देर ओपन रखते हैं ताकि ये एयर ड्राई हो जाए। जब ये होता है इतना दुख होता है, कुछ समझ नहीं आता है कि रखें फेंकें, बट आई हैव हर्ड दैट वो एल्कोहल होता है ना जो मेकअप के लिए यूज होता है, एंड देन यू कैन काइंड ऑफ पुट दैट एंड रीसेट इट। तो ये है ब्रश क्लीनर, इसको मैं वाइप्स पर स्प्रे कर दूंगी एंड फिर इजीली ये सारा मेकअप निकल जाएगा। जब पूरा कुछ क्लीन हो जाए फिर मैं इसे क्लीन करती हूँ, बिकॉज क्लीन करते वक्त भी कुछ मेकअप गिर सकता है इस पर, एंड दैट्स इट। उसके बाद हम इस पर लगाएंगे। अब हम करेंगे ऑर्गेनाइज ये सेक्शन। ये फेयरली इजी है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें डेडिकेटेड जगह पर रखी हुई हैं। अब हमने सब कुछ बाहर निकाल दिया है, ये मैं क्लीन करूंगी। तो अंजना देवी हमारी है झारखंड से, एंड मैं अंजना को पूछ रही हूँ कि यू नो जो हमारे फॉलोअर्स होंगे या सब्सक्राइबर्स होंगे झारखंड से वहाँ पर कौन सी भाषा होती है। तो अंजना कह रही है कि झारखंड में बहुत अलग अलग प्रकार की भाषाएं होती है, जिसमें से कुड़ुक भाषा अंजना की फैमिली बोलती है। तो अंजना कुड़ुक भाषा में सारे झारखंड के हमारे सब्सक्राइबर्स को हेलो बोलने वाली है या नमस्ते बोलने वाली है। हाय गाइस, इसुसा हाय, इसुसा हाय, हमारे सारे झारखंड के सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा प्यार। मुझे याद आ गया कि मेरा मर्क्यूरी रेट्रोगेट का पैलेट टूट गया था। दिस इज सच अ सैड थिंग राइट। बताना मुझे कितने लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं। हमने इसे क्लीन करके एयर ड्राई कर लिया है। नेकेड टू, नेकेड चेरी, नेकेड स्मोकी, नेकेड इलेक्ट्रिक, नेकेड हनी, नेकेड हीट। आई एम सच अ बिग नेकेड फैन। तो नेकेड आई शैडो पैलेट्स आर बाय अर्बन डीके एंड आई एब्सोल्युटली लव देम। मेकअप मेक्स मी हैप्पी। हाँ, मैं ऐसे थोड़ी सी बावली सी हो जाती हूँ मेकअप को देख के। मेकअप, स्किन केयर, शॉपिंग। दिस इज माई नेकेड कलेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है, इसलिए मैं इस ड्रॉर को निकालूंगी बाहर और हम अंदर से क्लीन करेंगे। तो आई फील कि जहाँ पर हम मेकअप रखते हैं वो जगह भी बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज मेकअप में यूजुअली बैक्टीरिया सेटल हो जाता है एंड दैट अल्टीमेटली लैंड्स अपॉन योर स्किन। फिर हम सोचते हैं कि हमें इतना एक्ने क्यों हो रहा है या हमारा स्किन इतना बैड क्यों हो गया है। सो आई थिंक द मेजर रीजन इज प्रोबेबली अगर हम बेसिक हाइजीन फॉलो करें ना, रिमूविंग मेकअप प्रॉपरली, वॉशिंग योर ब्रशेज प्रॉपरली, कीपिंग योर मेकअप क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, स्पंजेस हमेशा टाइम टू टाइम क्लीन करें, धूप लगाएं, तो आई थिंक हमारे स्किन पर उसका बहुत असर पड़ेगा। और अगर आप ये करेंगे करते हैं तो प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी वो ऐसी कौन सी प्रो टिप है जो आपको लगता है इतनी बेसिक सी चीज है और आप वो इनकॉर्पोरेट करते हैं और उससे आपको फायदा होता है। शेयर इट विद अस ताकि हमें भी फायदा हो। ये वाला ड्रॉर भी हमने निकाल दिया है, इसके अंदर अंजना देवी सफाइयां कर रही हैं। इसको हम कर देते हैं उल्टा। ये मुझे लैक्मे से ही आया था और मैंने ये संभाल के रखा है। तो ऐसे कुछ डब्बे वगैरह हो आप उसको यू कैन यू नो मेक सेक्शंस लाइक दैट इनसाइड योर ड्रॉर्स एंड आप ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए अभी ये है, आई कैन कीप इट ऑर्गेनाइज्ड इन दिस ना, ये फैलता नहीं रहेगा ऐसे। बट अगर ये इसमें डायरेक्टली रखा होता तो ये फिर ड्रॉर अंदर बाहर जाते वक्त सारा मेस ज्यादा मैसी लगता है। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस करने के लिए ये डब्बों को संभाल के रखा है। तो अब हम ये ग्लास उठाने वाले हैं एंड वी विल क्लीन बिलो दैट। सो ये लग रहा है अब ऑर्गेनाइज्ड काफी, हमने पूरे कोने कोने से सब कुछ क्लीन कर लिया है। अब बारी है इस सेक्शन की। तो यूजुअली मेकअप के ऊपर ये धूल जैसी जम जाती है राइट, वो बेसिकली मेकअप के ही पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से मेकअप डल और पुराना लगने लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे ट्रांसपेरेंट पाउच में सारे डब्बे
डब्बे या सारे मेकअप के कंटेनर्स बिल्कुल चमचमाते हुए नए लगे, तो उसके लिए मैं एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, ये ब्रश क्लीनर है, तो आई जस्ट टेक इट ऑन अ क्लॉथ। अब आप देखो ये इतना डर्टी है, राइट, सो इफ आई जस्ट वाइप इट विद दिस सारा मेकअप निकल जाता है, बिकॉज उसका पर्पज ही है। तो अदरवाइज आप कॉलिन वगैरह से कितना भी क्लीन कर लो, यू विल नॉट गेट दैट शाइन जो एक नए प्रोडक्ट के कंटेनर में आती है। बट नाउ लुक एट दिस, राइट, कैन यू सी द शाइन? सब पे मैं ये स्प्रे कर दूंगी लिटरली, जिसकी वजह से दिस विल ऑल जस्ट शाइन। थोड़ा सा नाउ लुक एट दिस, राइट, नाउ लुक। ये वाला थोड़ा सा टाइम लेगा, तो वी आर गोना पुट इट ऑन द फ्लोर एंड ऑर्गेनाइज दिस। ये वाला ड्रॉअर अलोन आई थिंक विल टेक अबाउट 20 मिनट्स और सो। इसी खुशी में मेरी चाय जो पड़ी है बिफोर आई स्टार्टेड दिस वीडियो, उसे गर्म करके लाती हूँ और मम्मी की डांट खाती हूँ। These are actually my go-to bands. इनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। फिलहाल गाड़ी हमारी यहाँ तक पहुँची है, इसमें हमने सारे बैंड रख दिए हैं इन डिफरेंट साइजेस। आपको लास्ट में जब ये कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना, उसके बाद इसका एक टूर करवाऊंगी, 2 मिनट का टूर। Okay, तो अभी हम इसे लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो हालत चीजों की, ये हैं मेरे सारे जो हेयर के अंदर लगाने वाली एक्सेसरी है, जस्ट टू गिव इट मोर बाउंस। ये है सब हॉट रोलर्स की क्लिप्स। ये है हमारा हेयर ब्रश क्लीनर, दिस इज डन टू। ओके, कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, सारे हेयर ब्रशेस यहाँ हैं, इसमें है बिंदियाँ, माय फेक हेयर और शूट्स, ये कुछ मेकअप टॉवल्स वगैरह है, हेयर बैंड्स वगैरह। तो मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सेक्शन दिखाती हूँ इस मेकअप स्टेशन का। सो ये जो सेक्शन है बेसिकली ये बना था टू कीप स्ट्रेटनर्स, टोंगर्स, कर्लर्स, आयर्न्स वगैरह, इसलिए ये मेटल का बना है ताकि यू नो लकड़ी जल ना जाए। हमने अपने कार्पेंटर को बोला था कि एग्जैक्टली क्या साइज होने वाला है टोंगर्स वगैरह का, उस हिसाब से मेजरमेंट लेके ये स्लॉट्स बनाए गए थे एंड यहाँ पर डायरेक्टली उनके प्लग्स लग जाते हैं। जब ये घर डिजाइन कर रहे थे तो मैं चाहती थी कि यू नो सब चीजों की अपनी एक डेडिकेटेड स्पेस हो। मुझे हर चीज की एक डेडिकेटेड स्पेस रखना अच्छा लगता है, ताकि ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में यू नो फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर कहीं और रख देते हैं, ताकि आप कितने भी जल्दी में हो तो भी आप एटलीस्ट उस डेडिकेटेड स्पेस में वो चीज रख पाओ, भले ही वो डेडिकेटेड स्पेस मैसी हो जाए, पर आपस में स्पेसेस ओवरलैप ना करें। दिस इज व्हाट आई फील इवन इन द बाथरूम, जहाँ पर बाल ड्राई करते हैं आफ्टर अ शावर, वहां पर भी मैंने ब्लो ड्रायर प्लग वगैरह एक ड्रॉअर में ही बना दिया है, ताकि आप वो ड्रॉअर खोलो एंड डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट ड्राइंग योर हेयर। अंजना देवी, अगर तुम्हारा हाथ नहीं घुसेगा तो काविश को घुसाना पड़ेगा। ये कलर मैंने लिया था जब ये बिल्कुल ही लॉन्च हुआ था US में, तो यू बेसिकली पुट योर हेयर इन एंड यू do this and it just sucks in your hair and then when you release it, it comes out in the form of a curl. और ये जो 3 modes हैं वो 3 different types of curls के लिए हैं। So this is how I have kept it. इसके अंदर चला जाएगा, तो जब इसकी जरूरत होगी ये वायर निकाल के इसे यहाँ पर डाल दिया जाएगा, और अगर ये गर्म भी होगा तो I can keep it in this. तो ये हो गए हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज। ये है मेरे बचपन का हेयर बैंड जो बुआ ने डिज्नीलैंड से खरीद कर मुझे भेजा था। तो ये कुछ मैक के मैंने खाली डब्बे रखे हुए हैं। सो फॉर दोज यू डोंट नो, वैसे मोस्ट ऑफ यू ऑल मस्ट बी नोइंग जो भी मेकअप शॉपिंग करते रहते हैं, कि मैक की एक पॉलिसी है जिसे कहते हैं बैक टू मैक। अगर आपने कभी मैक के प्रोडक्ट्स यूज किए और आपके पास पड़े हैं और आप ऐसे ही फेंक देते हैं, देन प्लीज रिमेम्बर 6 containers कैन बी गिवन बैक टू एनी मैक स्टोर एंड यू कैन गेट अ फ्री लिपस्टिक। काउंट हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और भी मेरे पास है 1-2 empty। टाइम टू गो टू मैक। अभी नहीं जा रही हूँ, ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना आप लोग। ड्यूरिंग द शूट्स आई डू वेयर कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा शौक था जब शुरू में यू नो मॉडलिंग शुरू की थी एंड कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने थे, तो इट यूज टू बी लाइक आई मीन एवरी सिंगल डे आई वुड वेयर माई कॉन्टैक्ट लेंसेज। बट एनीवे, सो आई हैव केप्ट ऑल दीज थिंग्स इन दिस। तो मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए हैं, इसमें कुछ में कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं और कुछ एम्प्टी हैं। ये है आई लैशेज, ये है आई शेडो एप्लीकेटर्स। इसको खरीदे हुए इतना टाइम हो गया है, पता नहीं आई डोंट इवन रिमेम्बर कौन सी कंट्री से खरीदा था। दो चीजें मैं सबसे कम यूज करती हूँ वो यहाँ पर रख दूंगी। अब बारी है इसकी, एंड द सनलाइट इज अबाउट टू कम। तो जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है, द लाइट इज कम्प्लीटली गोइंग। मैं विंडो के पास खड़ी हूँ, बट आई एम गोना क्विकली शो यू गाइस फाइनली द टूर ऑफ माय मेकअप स्टेशन। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक।
अब मैं आप लोगों को फाइनली दिखाती हूँ। ये है मेरे सारे ब्लश ऑन्स, चीक टिंट्स एंड कॉन्टूर पैलेट्स। ये हैं मेरे सारे आई शेडोज, आईब्राउ पोमेड्स एक्सेट्रा। ये हैं कुछ लिपस्टिक्स एंड मस्कारास, आई पेंसिल्स, लिप लाइनर्स, शार्पनर्स। ये हैं सारे फाउंडेशन की चीजें, योर लिक्विड बेस, योर पाउडर्स एक्सेट्रा पफ्स। ये हैं बैंड्स इन डिफरेंट साइजेस। ये हैं क्लिप्स इन डिफरेंट साइजेस। अभी सब यहाँ वहाँ पड़े हुए हैं तो सारे खाली लग रहे हैं। ये हैं कुछ हेयर बैंड्स वगैरह। ये हैं मेरे हेयर एक्सटेंशंस, सारी पिन्स, बिंदीज एक्सेट्रा। ये हैं कुछ हेयर ब्रशेस एंड कॉम्ब्स। ये भी हैं कुछ हेयर क्लिप्स एंड कर्लिंग वेलक्रोज। ये है टडा मेरा वो सेक्शन जहाँ पर मैं टोंगर, स्ट्रेटनर्स वगैरह रखती हूँ, नीचे वो चीजें जो मैं ज्यादातर यूज नहीं करती। ये सेक्शन ऑलमोस्ट वैसा ही लग रहा है, सिर्फ कुछ चेंजेस मैंने किए हैं। दीज आर द मसाज वॉन्ड्स फॉर द फेस, लिप बाम्स, दीज आर ब्रशेस इन डिफरेंट साइजेस, ये ब्रशेस इन डिफरेंट साइजेस, एंड ये वो मग है जिसमें मैं सारे यूज ब्रशेस रखती हूँ, यूज ब्यूटी ब्लेंडर्स, ये रोज धुलते हैं ऑलमोस्ट, ये न्यू ब्यूटी ब्लेंडर्स, ये कुछ एक्सेसरीज के लिए डब्बे वगैरह, ये मेकअप रिमूविंग टॉवल, और ये वो चीजें जो मैं यूज करती हूँ। थैंक यू अंजना देवी मेरा साथ देने के लिए। ये जगह तो बड़ी सुंदर लग रही है, पर ये देखो हालत, अभी हमें ये भी ठीक करना है। तो ये था मेरे मेकअप स्टेशन का टूर। Q&A इज ऑन द वे, अनदर मेकअप वीडियो इज ऑन द वे, एंड आई एम गोइंग टू बी ट्रैवलिंग सून, सो ट्रैवल व्लॉग्स आर ऑन देयर वे टू। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, इतने सारे कॉमेंट्स छोड़ने के लिए, इतनी सारी एनकरेजमेंट देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे चैनल पर नए नहीं भी हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन यू नो व्हाट टू डू, लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑन द नोटिफिकेशन बटन ताकि अगली बार जब मेरा वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। अब इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, अगली बार मुलाकात होगी जल्द ही अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव।